हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीट में बेस्ट एजुकेशन एकेडमी फॉर टॉपर्स। माय नेम इज इमशादाब एंड यू आर वाचिंग फाइनल शॉट्स। राइट देन, दिस इज द फाइनल शॉट फॉर नीट 2022। यानी आपने उम्मीद है कि अब तक अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली होगी, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और सारे चैप्टर को आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो अभी ये जो सीरीज है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट is the NEET 2022 final shots। final shots का मतलब कि final revision के हम लोग question देखेंगे, question की help से, example की help से we will learn a lot of thing, पूरे chapter के question करेंगे और most likely question या most important question यानी कि NEET 2022 में जो most probable question है कि इस तरह के questions आते हैं उनमें PYQ भी include होंगे और वो कंसेप्ट जो आपको ज्यादा पूछे जाते हैं नीट में उसके हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे। और यहां पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चन की हेल्प से आपको कंसेप्ट भी सिखाऊं। तो जो भी आपको यहां पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं बच्चों, हर एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार अपने आप कंप्लीट करेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर सॉल्व करिएगा और देखिएगा अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वजह है, क्या रीजन है। हो सकता है आप उसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हो, लंबे मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो अप्रोच भी चेक करिएगा सॉल्यूशन को देखने के बाद। इस तरह से आप इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे और हर एक चैप्टर को हम लोग 2 सीरीज में 2 पार्ट में करेंगे। जैसे कि अभी मैंने जो चैप्टर लिया हुआ है दैट इज अ वेक्टर्स एंड इसका पार्ट 1 है, वेक्टर्स का पार्ट 2 भी आएगा और इस तरह से हम लोग इसके सारे प्रोफाइल के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। हर प्रोफाइल के क्वेश्चन को अगर आपने 2 से 3 बार इसमें जितने भी क्वेश्चन है लगा लिया तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके नीट 2020 में आप फाइनल शॉट ऐसे उड़ा सकते हो और आप आराम से बिल्कुल जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें पेपर को, फिजिक्स के पेपर को आप बिल्कुल आराम से फोड़ लेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी एंड विद अ गुड जील। आपका मोटिवेशन हाई होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए और ये सब होता है जब आपने चैप्टर को रिवाइज कर लिया हो, अच्छे से पढ़ लिया हो, चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली हो और आपने उसके फॉर्मूले एक बार आपने रिवाइज कर लिए हो। तो आई होप इस इंस्टेंट पर जब आपका एग्जाम होने वाला है तो आपने सारा सब कुछ कर लिया होगा, आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अभी आपने जो 11th वाले चैप्टर्स हैं वो बहुत पहले पढ़े होंगे तो इसलिए उसको रिवाइज करने के बाद आप इसके सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप ऑल ऑफ यू हैव विद योर कॉपी एंड पेन विद यू। राइट, आप सभी के पास कॉपी पेन है। आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, रिटन वर्क करने की कोशिश करिएगा। जितना आप रिटन वर्क करेंगे, जितना आप लिखेंगे कॉपी में, उतना ही अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सो आर यू रेडी गाइज? यस, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फाइनल शॉट नीट 2022 के लिए ये रहा और इसमें पहले मैं यहां से सारी चीजें हटा देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, आपने फौरन इसको अंडरलाइन किया, तेजी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। जैसे ही ऐसे कहा गया, डायग्राम बना लीजिए, इत्तेफाक से बात है यहां पर डायग्राम दिया हुआ है। अब कहा है फाइंड आउट इट्स कॉम्पोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वेक्टर का, आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने जानबूझ के 60 डिग्री वर्टिकल से लिया है क्योंकि कुछ बच्चे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल मतलब कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल मतलब कॉस थीटा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल मतलब वो कॉम्पोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, एक्स डायरेक्शन में हो। अब यहां पर 60 दिया गया है, जिधर एंगल होता है, यहां देखिए फोर्स 4 न्यूटन है, तो ये जो 4 न्यूटन है इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस, यानी के 4 cos 60। तो इसका जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा 4 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 4 और 2 1/2 है, कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। तो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट बच्चों 2 न्यूटन हो गया। हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, जिधर थीटा नहीं होता है उधर साइन होता है, तो इस डायरेक्शन में आएगा 4 sin 60। तो 4 sin 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3/2। आई होप सभी को पता होगी। अब अगर आप यहां से 2 2 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। यानी अगर आपसे कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, राइट,
अगर आपसे कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट 2√3 न्यूटन। तो एक आंसर आपका ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, और आपने एक बेसिक चीज सीख ली है कि कंपोनेंट किस तरह से निकाले जाते हैं। कंपोनेंट निकालने के लिए जिधर एंगल दिया होता है उधर कॉस वाला पार्ट आता है, और जिधर एंगल नहीं दिया होता है उधर साइन वाला पार्ट आता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो भी है मैं इसकी पीडीएफ, इस चीज सारी चीज को विद सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं, इस सॉल्यूशन का पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम तेजी से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, pointing from A to B। अब इसके लिए एक वेक्टर कैसे निकालना है, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, आपको ये वेक्टर निकालना है, राइट। और इस वेक्टर को बोला जाएगा AB वेक्टर। आई होप बात आप समझ रहे होंगे, क्या बोला जाएगा, AB वेक्टर। तो हाउ टू फाइंड द AB वेक्टर, AB वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं मालूम है अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, AB वेक्टर इज इक्वल टू PV ऑफ B, राइट। PV, PV क्या है, PV, PV सिंधु नहीं है, PV क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, राइट। PV ऑफ B माइनस हो जाएगा PV ऑफ A, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ऐसे बोला जाएगा आर बी, यहां बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दीजिए, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दीजिए। आर बी, आर बी आपको कहां मिला, ये, इसको कैसे लिखा जाएगा, आर बी को ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस थ्राइस ऑफ जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप, फिर यहां आ गया माइनस। ध्यान से देखें, आर ए, आर ए, ए यहां है, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके साथ आई के जे कैप लगाइए, ये हो जाएगा आई कैप प्लस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप। आई होप इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का आई कैप, इज इट क्लियर। माइनस 3 माइनस, ये माइनस आ गया, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4 जे कैप, फिर ये प्लस 4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और 1, ये हो गया प्लस का 5 के कैप। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब जो आपको पोजीशन वेक्टर ए बी पूछा था, राइट, ये पोजीशन वेक्टर ए बी हम सीधे लिख सकते हैं कि दैट वेक्टर ए बी इज व्हाट, दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर एज यू कैन सी, आई कैप माइनस 4 जे कैप, यू कैन चेक हियर, प्लस ऑफ 5 के कैप, तो ये 5 के कैप आ गया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई और समझ में आ गई है। इसको जल्दी से नोट करिए कॉपी में, और आई होप आपने इसको देख लिया होगा ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखिए, आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, कॉन्सेप्ट समझते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 न्यूटन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ध्यान से देखिए उसी कंपोनेंट को अलग तरह से पूछ लिया गया है, कहा गया है 4 न्यूटन का फोर्स है और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे हमने 4 न्यूटन का फोर्स बनाया और हॉरिजॉन्टल से कहा गया है 60 डिग्री पर है, तो 60 डिग्री पर ले लिया गया। लेट मी चेंज द कलर सो यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट 60 डिग्री। अब ये कहा गया है इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन, तो इधर जो कंपोनेंट आ रहा है वो 40 न्यूटन आ रहा है। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट, यहां पे एक तो ये गड़बड़ी है कि इसमें आपको 4 न्यूटन नहीं दिया गया है, अ फोर्स इज इंक्लाइन, क्योंकि 4 न्यूटन दिया जाएगा तो हम
पता नहीं कर पाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेट मी क्लियर इट। अब ये कह रहा है, इसको भूल जाइए, ये कह रहा है अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, तो हमको ये नहीं पता है कि ये फोर्स कितना है, यानी इसको हमें यहां से जस्ट अ सेकेंड, इसको हमें यहां से हटाना पड़ेगा, इसकी जगह फोर्स को एफ लेना पड़ेगा, यहां पे मैं फोर्स एफ ले लेता हूं, राइट। अब आपसे कहा गया है फाइंड द वर्टिकल कॉम्पोनेंट एफ वाई, आपको पता करना है, राइट। तो अगर एफ फोर्स है तो एफ फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट होगा एफ कॉस 60, राइट। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 40, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिया है 40 न्यूटन, ध्यान से देखिए। और f की वैल्यू, तो f की वैल्यू हमें नहीं पता, cos 60 1/2 होता है। इस तरह से यहां आपने कैलकुलेट किया f की वैल्यू 80 न्यूटन, राइट। तो यहां से आपको f की वैल्यू है वो 80 न्यूटन मिल गई है। अब ये f की वैल्यू अगर आपको सॉरी 80 न्यूटन मिल गई है, तो अब वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा, राइट। चलिए कलर चेंज करके देखते हैं, वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा एफ वाई, और एफ वाई की जगह आ जाएगा एफ, ध्यान से देखें इधर, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो एफ साइन 60 डिग्री, एफ की वैल्यू आपने निकाली हुई है 80, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। अभी यहां से आपको एफ वाई इज इक्वल टू मिल गया 40 रूट 3 न्यूटन। सो यू गॉट द कंप्लीट आंसर, एफ वाई वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ दैट फोर्स इज एज यू कैन सी हियर 40 रूट 3 न्यूटन। इज इट क्लियर टू ऑल? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा सा, ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह से आप सॉल्व कर पाते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये, ध्यान दें। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, आपको ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से ध्यान रहेगा। ए बी सी आर 5, 4, 3, यानी कि बी सी, ये ए बी सी है, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली, तो बी और सी के मैग्नीट्यूड से 5 मिल रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि 4 और 3, पाइथागोरस 4, 3 और 5, पाइथागोरस को फॉलो करना है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 25 और 25 ये आ गया। तो आपको सीधा दिखा कि भाई b वाला वेक्टर ऐसे होगा और c वाला वेक्टर ऐसे होगा, ये है वेक्टर c और ये है वेक्टर b, तो वेक्टर b प्लस c 4 और 3 इज इक्वल टू a है, यानी a वेक्टर आपको यहां मिल गया, ये वेक्टर a है, देख लीजिए। अब ये सारी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, a इज इक्वल टू b प्लस c भी है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी है, और मैग्नीट्यूड 3 और 4 मिलके पाइथागोरस से कितना होगा, राइट, बिल्कुल पाइथागोरस से मिलके 5 होगा। अब ध्यान दीजिए, एंगल बिटवीन a एंड c आपसे पूछा गया है, सो लेट्स फाइंड आउट a एंड c, ये a और c है, तो अभी मैं कलर चेंज करके इसको दिखाता हूं, ये a है और ये c है, यानी आपसे ये एंगल, ये एंगल मतलब ये एंगल पूछा गया है। अगर आप यहां से देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा tan है नहीं, तो आपसे cos और sin में भी पूछा जा सकता है, चलिए हम निकाल लेते हैं पहले tan, तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। cos में ज्यादा ऑप्शन है तो पहले cos निकाल लेते हैं, इसको हटाते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू, यस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस सी, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो यहां से सीधे सीधे आपको दिख गया कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 1। आई होप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से देखा समझा और जाना, और आपने इसको पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व कर लिया, राइट, कहीं कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एज यू कैन सी 0.4.8 tan c represent a unit vector, बस यहीं से अपने को फंडा मिल गया, AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है, is a unit vector, आपको पता है unit vector का मतलब magnitude 1, यानी इसका magnitude 1 होना चाहिए, और आपको पता है कि अगर ये एक vector है और इसका magnitude आपको निकालना है, तो ये root of
0.4 square, 0.8 square, c square, और ये वैल्यू 1 होगी। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.16 प्लस ये आ जाएगा 0.64 और इधर कहा जाएगा c स्क्वायर। इसको अगर हम 1 रखेंगे यहां से आप देखेंगे ये हो जाएगा 0.80 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80 तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 0.20 तो c इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.2। आई होप क्या कहीं आपको इसका आंसर दिख रहा है। यस ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2 और बी यू कैन से। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ध्यान से देखते रहना, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, बस आपको रिकॉल करना है, राइट? और इसी रिकॉल करने के लिए हम लोग ये सेशन ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन देख रहे हैं। अल्टीमेटली हमको ये ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन को कितनी तेजी से सॉल्व करते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी कितनी मेंटेन रखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द लेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, राइट? यूनिट वेक्टर। अभी इसके लिए अगर आपको याद होगा कि किसी भी यूनिट वेक्टर या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हमको चाहिए, किसी भी, ध्यान से सुनिए, अगर हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर, जैसे ए का यूनिट वेक्टर हमें चाहिए तो हम वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो सेम यही चीज है कि जिस वेक्टर को या जिस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब अगर हम यहां पर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 square plus 1 square plus 1 square root 3। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया है अंडर रूट 3। अब इसको मैग्नीट्यूड अरे वैक्टर पूछे ही नहीं है, यूनिट वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड, तब तो यही हो गया, सॉल्व ही नहीं करना है भाई, राइट? मैं सोचा वेक्टर निकालना है इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे थे। अगर यूनिट वेक्टर निकालना होता तो हम इस वेक्टर में हम इससे डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर हो जाता आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इससे इसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट थ्री से डिवाइड करते तो ये आता 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अगर हमें वो यूनिट वेक्टर निकालना होता तो हम इस तरह से वो यूनिट वेक्टर निकालते, लेकिन यहां तो कुछ पूछा ही नहीं है, सीधे जो क्वेश्चन में लिया है कहा है आ यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है तो आंसर सीधे 1 हो गया, राइट? चलिए बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए आगे देखते हैं। फिगर करेक्ट रिलेशन ए प्लस बी प्लस ई। अब देखिए इसको आपको चेक करना है कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आपको आता है ए प्लस बी प्लस ई तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस ई और ये फिर उसी जगह पहुंच गए। देखो ए से इधर गए और उसमें फिर बी ऐड किया और फिर ई वहीं पहुंच गए तो ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट रिलेशन पूछा है। सी माइनस डी तो ए प्लस सी इज इक्वल टू डी, इसको इधर पहुंचा देते हैं, C वेक्टर इस A को इधर ले आए तो C प्लस A वेक्टर D को उधर ले गए तो वो हो गया है C प्लस A इज इक्वल टू वेक्टर D। ऐसा है क्या? C और उसमें A कर दो तो D नहीं आएगा, है ना? लेकिन लेकिन देखो D और A, A प्लस C इज इक्वल टू D के बराबर है, A प्लस C इज इक्वल टू D के बराबर है, ओके। देखो यहां से A वेक्टर और प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी के बराबर है तो ए प्लस सी इज इक्वल टू डी, यानी यहां पर सेकंड भी करेक्ट है। चलिए यहां देख लेते हैं, बी वेक्टर माइनस वाले सब हटा देते हैं, बी प्लस ई और डी को इधर ले आए, बी प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इसको चेक करें कैसा मिलता है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में देखने में आसानी होगी। बी प्लस ई ये हो गया वेक्टर बी, इसमें ऐड किया वेक्टर ई, बी प्लस ई, ई में ऐड किया वेक्टर डी,
बी प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू वेक्टर, देखो यहां से चले थे और फिर यहां पर रुके, ये यहां पर सी मिल रहा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, राइट। तो आंसर इसका होगा 4 क्योंकि ऑल करेक्ट आ गया। इज दैट क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को किया गया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अ फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास, ये फोर्स है, एंड एक्सीलरेट विद 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी, एम पूछा गया है। आई होप आपको पता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू होता है ma, यानी हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां से फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो यहां पर आ गया है 200, तो इसको लिखा जा सकता है 10√2 न्यूटन, इज इट राइट। तो F की वैल्यू है 10√2, मास पता करना है, एक्सीलरेशन है 1, मास इज इक्वल टू 10√2 किलोग्राम, और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, 10√2 किलोग्राम, यू गॉट द करेक्ट आंसर, 10√2 किलोग्राम, इज इट क्लियर? आई होप देयर इज नो इश्यूज एट ऑल, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज डन, इज दैट गुड? सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। The forces which meet at one point but their lines of action do not lie in one plane. अगर one plane में होते तो coplanar, अगर one plane में नहीं है तो non-coplanar, एक ही point से pass कर रहे हैं concurrent, एक point से pass नहीं कर रहे हैं तो non-concurrent. अभी question ने दिया है कि एक ही point से pass कर रहे हैं तो concurrent है और non-coplanar है, non-coplanar and concurrent, that is only option number 3, so the correct answer would be of this question is 3rd, is it? I hope there is no issues. आगे बढ़ते हैं question number 9 के बाद question number 10, what happens when we multiply a vector by -2, direction reverse, right, क्योंकि minus होगा तो direction reverse हो जाएगी, magnitude double, डायरेक्शन रिवर्स एंड यूनिट चेंजेस, नो यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड इज डबल, बिल्कुल सही है ये बात, डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड एंड यूनिट चेंजेस, नो नॉट एट ऑल, तो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल ये कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा क्योंकि आप उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखिएगा एम्स में आया हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ध्यान से देखिए, direction of angular velocity vector is along, angular velocity, ध्यान दीजिए, angular velocity, angular small displacement, angular acceleration, torque, right, though these all are axial vector, axial vector क्या होता है कि ये एक circle है और circle का ये एक axis है, इस एक्सिस में जो भी पार्ट एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स होते हैं उनको एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं, तो ये सारे जो आपके सामने लिखे हैं ये सब एक्सियल वेक्टर हैं। यहां लिखा है एम्स में आयु क्वेश्चन, टेंजेंट टू द सर्कुलर, इनवर्ड रेडियस, आउटवर्ड रेडियस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, दिस इज ऑल्सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, इसी के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसी के अलोंग एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा, राइट, सो ये हमेशा एक्सियल वेक्टर हैं। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली 12 एंड 5 एंड 13, ओके, तो सी 13 होगा, ध्यान से देखें, ए ये है, बी ये है, सी है, और 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों मिलके 169, इसका स्क्वायर भी दे रहे हैं, तो सीधा मतलब है पाइथागोरस फॉलो हो रही है, मतलब ये 90 डिग्री राइट एंगल पे होंगे। अब कैसे होंगे आप ये देख लीजिए, ये 12 होगा, ये 5 होगा,
अब जो 12 था वो वेक्टर ए था, तो इसको यहां 12, और जो y था वो वेक्टर b था, इसको यहां 5, और c है, ये वेक्टर c होगा और इसको यहां 13, राइट। आई होप a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ यहां पर क्लियर है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर c। अभी आपको देखना है एंगल बिटवीन a एंड b, तो a और b, लेट मी चेंज द कलर, तो a और b के बीच का एंगल ये है, तो ये 90 डिग्री है, यानी पाई बाई 2 कहीं पर होगा ये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों आंसर नंबर 3। आई होप एवरीथिंग इज फाइन, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, एंगल मेड बाय द वेक्टर i प्लस j विद एक्सिस। देखो i कैप प्लस j कैप, यानी i कैप भी इधर है और j कैप भी इधर है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो इसको कहा गया i कैप और इसको कहा गया j कैप। अब इससे दोनों इक्वल कंपोनेंट है, तो आपको याद होगा अगर दोनों इक्वल कंपोनेंट है तो इनका रिजल्टेंट यहां पर आएगा, राइट। अगर रिजल्टेंट यहां आएगा मिड में, तो ये एंगल 45, तो चाहे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा जाए या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा जाए, दोनों में 45 होगा, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बच्चों 2, राइट। तो आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आपको पुरानी यादें धीरे धीरे ताजा हो रही होंगी, हो सकता है पहले आपको कुछ नहीं पता होगा, ओ ये तो सिंपल था, ये तो मुझे पता था, ये तो मैंने पहले किया था, ऐसी ऐसी आपके रिएक्शन हो रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज अगर नहीं याद थी कोई बात नहीं, अब याद हो जाए और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको फाइनल एग्जाम में याद रहे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आपने देख लिया था कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 के बाद चलते हैं 14 में। अब इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको वन बाय वन करके सारे पार्ट सॉल्व करते रहेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं यहीं से। एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, आपको मॉड ए और मॉड बी निकालना है और उनका रेशियो। पहले में हम लोग इस क्वेश्चन में ये पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, मॉड ए और मॉड बी का रेशियो। तो आई होप आपको पता होगा मॉड ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो ये आ गया रूट ऑफ 14। फिर बी देखते हैं, वेक्टर बी का मॉड देखते हैं, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यहां पर हो जाएगा रूट ऑफ 26। तो एक आपको रूट 14 मिल गया, एक रूट 26 मिल गया, पहले पार्ट का आंसर रूट 14 रेशियो रूट 26। आई होप इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, राइट। अभी आपसे अगले पार्ट में देखते हैं, 14 में ये है, 15 में आपसे कहा गया है ए डॉट बी, राइट। तो आपको पता होगा कि जब भी दो वेक्टर हैं और उनका a डॉट b निकालना है, यानी डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में हम कंपोनेंट्स का कंपोनेंट, यहां i का कंपोनेंट, यहां i का कंपोनेंट कितना आ जाएगा -2 प्लस, फिर इधर y का कंपोनेंट, यहां y का कंपोनेंट कितना आ जाएगा 9, फिर माइनस और प्लस, यहां पे कितना हो गया फिर से देखिएगा प्लस, यहां पर 4 और माइनस 1 कितना हो गया -4। अब इसको और सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 9 -4, तो हो गया 9 -6 इज इक्वल टू +3, और इसी को हम लोग आंसर के नाम से जानेंगे। आई होप इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड, दैट्स गुड, सो नाइस ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ये कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे एंगल पूछा जाए तो हमेशा कॉस थीटा निकालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो सॉल्व करना आसान होता है। कैसे? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि भाई ए और डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए
इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, राइट। अभी अगर सिंपल है तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कि ए डॉट बी, ये ए हुआ ये डॉट बी हुआ, डिवाइड किया मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये दोनों चीजें यहां पर मिल गई हैं। अब इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा कि इस कॉस थीटा की वैल्यू कैसे दोबारा निकालनी है। अभी आपको ए डॉट बी मिला, ए डॉट बी अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, यहां कितना आ गया था ए डॉट बी प्लस थ्री, और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी भी मिल गया था रूट 14 रूट 26। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये ए डॉट बी की जगह थ्री रखेंगे, डिवाइडेड बाय यहां रखेंगे रूट 14 इंटू यहां रखेंगे रूट 26। तो ये इन दोनों के बीच में आंसर हो जाएगा और इसमें और आगे कोई बात या कोई चीज नहीं करनी है। सो आई होप ये बात आप समझ में आ गई होगी, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। एंड वी हैव कंप्लीटेड 16 क्वेश्चन, ये 16 के बाद अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये दो चीज मैं आपको यहां पर स्पेशली तौर पे बताना चाहता हूं कि ए का बी पे और बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होता है। इसके लिए चलिए मैं आपको यहां से अलग से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये एक वेक्टर है ए और यहां ये एक वेक्टर है एंड दिस वेक्टर इज सपोज टू बी बी, ये यहां पर बी है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और यहां से एक परपेंडिकुलर आपने इस पे ड्रॉप किया, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहां से इस पे अगर एक प्रोजेक्शन देखा, ये ए है तो ये जो ग्रीन कलर वाला लाइन है ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, राइट। अब ये ए कॉस थीटा क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ए कॉस थीटा कहलाएगा, ध्यान दीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए अगर आप में से किसी को नहीं आता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, आपको ए कॉस थीटा निकालना है वैल्यू, तो आपको क्या करना है, ए एज इट इज कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए इनटू बी। अभी आपने ए और ए कैंसिल कर दिया, जैसे ही आपने ए और ए कैंसिल किया, इधर जो मिला आपको वो मिला ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय यहां से मिल गया बी। ए डॉट बी की वैल्यू आपने 3 देखी और बी की वैल्यू आपने रूट ऑफ शायद कितनी निकाली थी, चलिए देखते हैं, 36 रूट ऑफ बी की वैल्यू आपने निकाल ली थी 26 करेक्ट, तो उसकी वैल्यू यहां रख देते हैं रूट 26। तो ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसी का रिवर्स भी हो सकता है, चलिए रिवर्स भी मैं बता देता हूं आपको। सिमिलरली ये है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। अब अगर हम देखें ये एंगल थीटा है तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पे यानी यहां से ये परपेंडिकुलर, तो इसका इधर कंपोनेंट देखा, ये बी है ये थीटा है, तो ये आया बी कॉस थीटा, इज इट। अब जैसे ये बी कॉस थीटा आया तो आपने बी कॉस थीटा को देखा, तो ये बी कॉस थीटा क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये बी का प्रोजेक्शन ए पे है। ये भी वैसे ही कैलकुलेट होगा क्योंकि आपने बी कॉस थीटा देखा है, बी एज इट इज रखेंगे, cos थीटा को यू कैन से a डॉट b डिवाइडेड बाय ab। अब ये b कैंसिल होगा,
अब a डॉट b की वैल्यू आपने निकाली थी 3 और a का मॉड था रूट ऑफ 14। तो ये आया प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, पहले आया था प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए ये सारी बातें आपने क्लियर कर ली हैं। 16 नंबर वाला क्वेश्चन भी हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कर लिया है आई होप। यस, ये प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b भी कर लिया और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a भी हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, ये सारे पार्ट हम लोग इसके कंप्लीट कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट में 18 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी करेंगे, लेकिन वो इस वीक के अगले पार्ट में। इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा। तो आई होप आपने जितने भी क्वेश्चन यहाँ सीखे हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन सारे क्वेश्चन को, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार अपने आप से सॉल्व करिएगा। एक पार्ट हम लोग वेक्टर्स का और करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग यूनिट डायमेंशंस करेंगे, एरर एनालिसिस करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स करेंगे, एरर्स करेंगे और फिर मोशन इन 1D। सबके दो दो पार्ट होंगे और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा सिलेबस हम लोग इसी में कंप्लीट करने वाले हैं। बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, रोज ये वीडियो आएगा। अभी शुरुआत में एक एक आएंगे और फिर दो दो पार्ट आएंगे पर डे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा, राइट? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।